हाय एवरीवन, अगर आप मशरूम खाना पसंद करते हैं तो इस मशरूम की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से मेल्ट इन माउथ पनीर, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप इस रेसिपी को आपकी अपकमिंग पार्टी या फिर एज अ इवनिंग स्नैक्स ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। यहाँ मैंने मशरूम लिया है जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। 2-3 बार आप इसको पानी में धो लें, हल्के हाथ से जेंटली इसको स्क्रब कर लें, ये साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद इसका जो स्टेम रहता है इसको आप अलग कर दें। इसी तरीके से आप सारे मशरूम का स्टेम अलग करके साइड में रख दें। फिर एक बड़े से मिक्सिंग बोल में पनीर ले लें। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है जिसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं चीज़ी फ्लेवर के लिए, वो भी बहुत डिलीशियस लगेगा। इसमें मैंने डाला है इटालियन मिक्स हर्ब, ये जो पिज़्ज़ा के साथ सीजनिंग आती है ये वही है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, और नमक। साथ ही मैं इसमें डालेंगे पेरी पेरी पाउडर, इसको आप ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है स्टफिंग का। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दें। फिर एक बोल में लें मैदा, यहाँ आधा कप मैदा लिया है और 3/4 कप लिया है कॉर्नफ्लावर। इसका हमें स्लरी बनाना है, तो इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे इन टोटल, बट धीरे धीरे डालते हुए, जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसका एक सेमी थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बना के रेडी करें, फ्लोइंग रहे बट इट शुड बी थिक, नॉट वेरी थिन और लिक्विडी। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें पानी ऐड करते जाएं। तो हमें कुछ इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। इसमें मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और डालेंगे इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से इसमें मिक्स कर लें और साइड में रख दें। तो अब बारी आती है मशरूम्स को स्टफ़ करने की। थोड़ा सा स्टफिंग अपने हाथ में ले लें और मशरूम में इस तरीके से अच्छे से प्रेस करते हुए इसके अंदर फिल कर दें। बस इसी तरीके से आप सारे मशरूम को फिल कर दें, अच्छे से उंगलियों की हेल्प से दबाते हुए इसके अंदर तक इसको भर दें। तो यहाँ पे हमारे सारे मशरूम भी स्टफ़ हो गए हैं, सभी में पनीर भर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक मशरूम लेंगे, उसको हम इस तरीके से जो बैटर रेडी किया था उसमें ड्रॉप कर देंगे और एक फोक की हेल्प से आप इसको अच्छे से बैटर में कवर कर दें। और मशरूम को कुछ सेकंड्स के लिए फोक के ऊपर ऐसे ही रहने दें, जिससे जिसका इसमें भी एक्स्ट्रा इसमें जो बैटर रहेगा वो नीचे ड्रिप कर जाएगा वापस से बोल में। तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लेक्स का एक कोर्स पाउडर बना लिया है। बस 1 कप कॉर्नफ्लेक्स ले लें रेगुलर वाले, उसको मिक्सी में डाल के दर दरा सा पीस लें। तो यहाँ आज मैंने ब्रेड क्रम्स को रिप्लेस कर दिया है कॉर्नफ्लेक्स के पाउडर के साथ। रीज़न ये है कि अगर आपको आउटर लेयर जो है क्रिस्पी चाहिए तो आप इसको कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर के साथ कोट कर लें। ब्रेड क्रम्स में भी क्रिस्पी रहता है बट कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा आपको क्रिस्प मिलेगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको पूरा मशरूम को कवर कर लें एंड रिपीट द सेम प्रोसेस विद ऑल अदर मशरूम्स। इसी तरीके से आप सारे मशरूम्स को रेडी कर लें। और 5 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। उसके बाद एयर फ्रायर में बनाने के लिए एयर फ्रायर की बास्केट को ग्रीस कर लें पहले, और थोड़े डिस्टेंस पे सारे मशरूम्स आप इसमें रख दें। फिर ऊपर से भी एक बार सारे मशरूम को ऑयल के साथ ब्रश कर लें और फिर इसको आप 200 डिग्रीज पे 15 मिनट के लिए फ्राई कर लें। तो जब तक हमारे मशरूम एयर फ्राई हो रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको डीप फ्राई करना है तो आप किन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें। तो सबसे पहले तेल ले लें, तेल को मीडियम हॉट होने दें, उसके बाद एक एक करके सारे मशरूम इसमें ड्रॉप कर दें। पहला बैच अगर आप सेक रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक साथ बहुत सारे ना डालें, पहले एक डाल के या दो डाल के देख लें, उसके बाद ही इसमें आप ज़्यादा मशरूम डाल के सेकेंड बैच में सेकें। तो सबसे पहले इसको 1 मिनट के लिए ऐसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने दें, फिर इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। ट्रांसफ़र कर लें उसको एक किचन पेपर टॉवल पर, जिससे इसका जो सारा एक्सेस ऑयल है एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरीके से आप सारे मशरूम्स फ्राई कर लें। एयर फ्रायर वाला बैच भी हमारा रेडी है। इट इज़ ऑल्सो परफेक्टली कुक, लुकिंग सो डिलीशियस।
एंड ट्रस्ट मी, चाहे आप इसको एयर फ्राई करें या डीप फ्राई, दोनों ही मेथड से ये बहुत डिलीशियस बनते हैं। ऊपर की लेयर एकदम क्रिस्पी, अंदर से मशरूम का यमी फ्लेवर और पनीर का स्टफिंग, माइंड ब्लोइंग। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें एंड डू लेट मी नो हाउ इट गोज़ फॉर यू। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू कुक इजी विद श्रुति। बाय बाय एंड टेक केयर।